हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटी वर्ड। हम लोग यूट्यूब चैनल एटी वर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन स्टार्ट किया हुआ था और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पी रेशियोज के तरफ में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए थे, तरीका बनाने का बता दिया था। उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मुझे लगा आप लोगों को उसको भी थोड़ा सा नॉलेज दे देना चाहिए, बनाना चाहिए तरीका जिसमें कि आप लोग कर सकते हैं। तो उस तरह के सवाल को लेकर के मैं फिर आप लोगों को लेकर आ गया हूँ। आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज में आगे के क्वेश्चंस, उसके बाद फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल एबीसी इट हैज गिवन एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एबी इज रेशियो ऑफ एसी 1:√2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2tan A/1+tan²A। देखिए बहुत आसान है, हम लोग को ये समझना है कि यहाँ पर एंगल बी बताया गया है कितना है, 90 डिग्री है। सबसे पहले तो एक फिगर बना लीजिए, एक ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी को कर दीजिए 90। ए यहाँ या यहाँ ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है ए बी और ए सी का रेशियो 1:√2 है। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 1/√2। तो मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था किस तरह से रेशियो लेना है। यहाँ से ए बी को लेट कर दीजिएगा के, ए सी क्या हो जाएगा √2 के, ए बी को हो जाएगा के, ए सी कितना हो जाएगा √2 के। अब हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड्स इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द बिगर वन। यहाँ से पी की वैल्यू के पुट कर दीजिए, के का स्क्वायर, सॉरी पी तो हम लोग को नहीं मालूम है, पी की वैल्यू को निकालना है, थीटा मानना होगा। ए एंगल ए कह रहा है यहाँ पर, थीटा का जरूरत नहीं है, एंगल ए यही एंगल ए है, इसी एंगल ए के लेना है। इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी, यह बेस हो जाएगा और यह हाइपोटेनस हो जाएगा। जो नया इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसके पहले पुराने वाले वीडियो को देख लीजिए, पार्ट वन को, पार्ट टू को, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर अब तो यहाँ पर देखिए, इसके सामने वाली जो भुजा है ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ एंगल ए लिखा हुआ था इसलिए हम लोग ए के सामने वाला एंगल लिए, सी लिखा सी के सामने वाला एंगल लेते, जहाँ लिखा था वो ये पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हम लोगों को परपेंडिकुलर जानना है कैसे निकलेगा, यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड पी इक्वल टू √H² माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू इससे पुट कीजिए, ये हम सॉल्यूशन अपना बना रहे हैं हम लोग। वैल्यू में देखिए पी की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, निकालना है, पी ही मान लीजिए। बी की वैल्यू कितनी है, के है, एच की वैल्यू कितनी है, √2 है। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे हम लोग, पी इक्वल्स टू √H² एच कितना है √2 का स्क्वायर माइनस बी कितना है के का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2k² माइनस k² का √2, यानी 2k² में k² जाएगा तो k² का √2 निकालेंगे तो k बच जाएगा, यानी b की वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ जाएगी, k आ जाएगी। अब यहाँ से वैल्यू निकालना है tan a का, तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितनी है, k है, बेस कितना है, k है, रेशियो कितना आ गया 1, tan a का रेशियो 1 आ गया, tan स्क्वायर a कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, 2 × 1/1 + 1 2/2 = 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितना आसानी से सवाल बन जा रहा है, थोड़ा सा समझना है कि प्योर कंसेप्ट को तो सवाल आसानी से बन जाएगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, पॉज करके कोशिश कीजिए खुद बनाने का। यहाँ दिया हुआ इन द फिगर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें एंगल पी आपको दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, पी एंगल थीटा है, और एंगल आर कितना दिया हुआ है 5 डिग्री, इसको फाई कहते हैं। इस तरह का सिंबल, इस तरह से जीरो करके और बीच में इस तरह से काट देना, इसको फाई कहा जाता है। तो इन सभी की वैल्यू निकालनी है, √x + 1 cot ϕ √x³ + x² tan θ और cos θ निकाल लिए। यही देखिए फिगर है यहाँ पर,
इसी फिगर में P है, Q है और R है, ये ट्रायंगल, इसमें थीटा यहाँ है, पाई यहाँ है। चलिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। इस तरह से वैल्यू निकालेंगे कॉट फाई का, टेन फाई का और कॉस फाई का, जो की रेशियो हमको दिए गए हैं उसका। उसके पहले हम लोग यहाँ पर देख लें किसके लिए, कॉट थीटा के निकालेंगे, फाई के निकालेंगे, किसके निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में फाई है तो फॉर फाइव डिग्री के लिए हम लोग लेते हैं। तो फाइव के लिए क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा, यह हाइपोटेनस हो जाएगा। फॉर फाइव ये हमारा परपेंडिकुलर, यह बेस और 90 सामने वाला हाइपोटेनस पता नहीं होता है। अब यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता है, कॉट में परपेंडिकुलर का इस्तेमाल होता है। पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालने की क्या करेंगे बात, पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी फोर एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा, बचेगा फोर इंटू में वन प्लस एक्स। और अगर यहाँ से पी निकालें हम लोग, पी हो जाएगा अंडर रूट फोर इंटू में वन प्लस एक्स। अब 4 का अंडर रूट कितना होगा, 2 होगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बन जाएगा p की वैल्यू। b की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, x दी हुई है, हमको इन्हीं दोनों वैल्यूज का तो काम था cot phi निकालने के लिए। चलिए cot phi बराबर क्या होगा, cot phi की वैल्यू हो जाएगी b by p, बेस कितना है x, परपेंडिकुलर कितना है 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट x प्लस 1 इंटू cot phi, यानी cot phi में इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके चाहिए, तो इसको ऊपर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स इंटू में cot phi, इधर क्या बच जाएगा x बाई टू, आपकी वैल्यू क्या आ गई x बाई टू, यही इसका आंसर है, क्लियर है। उसी प्रकार से क्या निकालेंगे, tan theta यहीं से निकल जाएगा, यहीं से जैसे वैल्यू निकाले थे। अब यहाँ पर वैल्यू तो सेम ही रहेंगी, t की वैल्यू जो हमारी डिग्री थी तो अंडर रूट वन प्लस एक्स, ये वही रहेगी, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। थीटा के लिए ले रहे हैं, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस रहेगा, इसको मिटा देता हूँ मैं। आप लोग थोड़ा सा बैक करके स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगर आपको आवश्यकता है तो आप लोग बना सकते हैं इस बात पर। देखिए ये हम लोग आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस में दिक्कत होती है तो उसके सॉल्यूशन आपको वहाँ पर तुरंत मिल जाएंगे। टेलीग्राम में आपको सर्च कीजिएगा एडी वर्ल्ड ग्रुप, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, फेसबुक पर भी मिल जाएगा, वहाँ आप लोग जुड़ सकते हैं और उसमें क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, तो उसके आंसर्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये आपका आर्स अग्रवाल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अब देखिए फॉर एंगल थीटा, थीटा के लिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा, फॉर टेन थीटा निकालिए हम लोग यहाँ पर, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर एक्स है, बेस कितना है ट्वाइस अंडर रूट वन प्लस एक्स, यही है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा चाहिए हमको यहाँ पर, समझिएगा बात को, यानी अंदर में अगर इससे x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, देखिए इसको पहले डिकोड करके दिखाते हैं आप लोगों को, अगर x स्क्वायर कॉमन लीजिए क्या बचेगा x प्लस वन, ये x स्क्वायर बाहर आएगा क्या बचेगा x अंडर रूट x प्लस वन, यही आ जाएगा। यानी कि हमको इस पूरे, या तो मेरे पास है पहले से, यहाँ पर क्या चाहिए एक x से मल्टीप्लाई चाहिए जो कि अंदर जा करके इस फॉर्म में आ जाएगा, क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं x से और मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, ऊपर में x से गुना नीचे में भी x से गुना, क्लियर है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। अब देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 बाय x अंडर रूट 1 प्लस x। अब इस x को अंदर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बदल जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस x, क्यों एक्स स्क्वायर बदलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का फिर रूट लेंगे तो फिर एक्स आ जाएगा,
वैल्यू हमारे फिर वही मिल जाएगी जहाँ से हम लोग ने उठाया है। अब ये एक्स स्क्वायर बाई टू रह जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या बच जाएगा, वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये किसकी वैल्यू हो गई, टेन थीटा की वैल्यू हो गई। हमको क्या चाहिए, टेन में इसकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए, इस पूरे टर्म को उधर भेज दीजिए तो टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। हमको यही वैल्यू चाहिए थी, ये वैल्यू हमारे मिल गई एक्स स्क्वायर अपॉन टू। कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, बेस कितना है थीटा के लिए, बेस है टू अंडर रूट वन प्लस एक्स अपॉन कॉसाइन कितना है एक्स प्लस टू, ये आपका कॉस थीटा वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से करके आप लोग इस तरह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मुझे जो क्वेश्चंस लगा थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, आप लोगों को थोड़ा सा कर सकते हैं असुविधा हो सकती है बनाने में, तो उसको मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोगों को अगर ज़्यादा दिक्कत हो आप लोग टेलीग्राम के चैनल एडू वर्ल्ड जुड़ जाइए, वहाँ पर जो जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेंगे आप लोग वहाँ मैसेज कीजिएगा और फिर आपके मैसेज को वहाँ रिप्लाई आ जाएगा, आप लोग वहाँ पर फिर सॉल्व करके आगे पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग करते हैं की रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे डिफरेंट पर्टिकुलर एंगल के लिए हम लोग की रेशियो निकाल सकते हैं, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट की रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। जो आप लोगों के सिलेबस में है आप लोगों को पढ़ना है वो पर्टिकुलर एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही पर्टिकुलर एंगल्स हैं जिसके बारे में वैल्यूज आपसे पूछी जाएंगी। तो देखिए एक मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है, इस टेबल में साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक है जो आपके हॉरिजॉन्टल में लिखे हुए हैं रोज में, और कॉलम मैंने एंगल को सजाया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये एंगुलर ये एंगल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये यहाँ पर टी रेशियो दिए हुए हैं। और यहाँ से अगर आपको टेबल को पढ़ना होगा तो मैं बता देता हूँ कैसे पढ़ेंगे आप। जैसे साइन 30 अगर आपको पढ़ना है तो साइन के आगे जाके 30 वाले कॉलम में देखिएगा उसका वैल्यू क्या है, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। अब मैं आपको ये बताता हूँ इस वैल्यू को कैसे बनाएं या कैसे निकाल सकते हैं। देखिए याद करना तो अपनी जगह पर है, याद कर ही लीजिएगा आप लोग, वो तो बात की बात है, परंतु उसको निकालना सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो है तो जीरो शुरू कीजिए, जीरो लिखिए, वन लिखिए, टू लिखिए, थ्री लिखिए और फोर लिखिए। लिख दिए, जीरो से शुरू किए, जीरो था कहाँ तक गया, फोर तक गए। अब क्या करेंगे, फोर तक गए हैं, फोर से ही डिवाइड करते चले जाइए सब पर। हो गया डिवाइड, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट, बस हो गया, आ गया। देखिए जीरो बाय फोर जीरो, जीरो का रूट जीरो, इसके पहले कितने आ गए, जीरो आ गए। वन बाय रूट फोर है, रूट नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा, वन बाय टू हो जाएगा। टू बाय फोर है, ये टू इससे कट जाएगा, वन बाय रूट टू हो जाएगा। रूट थ्री अपॉन टू हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगर वैल्यू कॉस्ट वैल्यू को लिखनी है, बहुत आसान, बहुत सरल, कुछ नहीं करना है, उधर से पकड़िए और इधर तक लिख दीजिए, वैल्यू आपकी आ जाएगी। 90 यहाँ वन था, वन लिखिए, रूट थ्री बाय टू था, अंडर रूट थ्री बाय टू लिखिए, वन बाय रूट टू था, वन बाय रूट टू लिखिए, वन बाय टू था, वन बाय टू, जीरो था, जीरो लिखिए। सो सिंपल है ना, कितना आसान है। आप लोग एडी वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। अब देखिए टेन का वैल्यू निकालना है, हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिए साइन बाय कॉस है, साइन यहाँ है, कॉस यहाँ है, इतने बड़े हैं आप लोग डायरेक्ट को यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। जीरो बाय वन और मत जीरो, जीरो लिख दीजिए। वन बाय टू अपॉन रूट थ्री बाय टू, वन बाय टू अपॉन रूट थ्री बाय टू, कैसे गुना कीजिएगा टू अपॉन अंडर रूट थ्री, टू टू कैंसिल, वन बाय रूट थ्री, ठीक है। सेम चीज को सेम चीज डिवाइड करेंगे कितना होगा, वन फाइव बाय फाइव रहे, ट्वेंटी फाइव बाय ट्वेंटी फाइव रहे, वन थाउजेंड बाय वन थाउजेंड रहे। जितना वैल्यू अगर न्यूमरेटर में है उतना ही वैल्यू डिनोमेटर में है, तो उसका रेशियो कितना देगा, वन देगा। सिक्सटी में आइएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा अंडर रूट थ्री, और यहाँ वन बाय जीरो इन्फिनिटी है, इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। सिक्सटी
सेम जैसे कॉस में किया था साइन की वैल्यू निकाल करके पीछे से लिखना है, इसमें वही करेंगे। कॉट में लिखिए नॉट डिफाइंड अंडर रूट थ्री वन वन अपॉन अंडर रूट थ्री जीरो। देखिए कितना आसान ये टेबल तैयार हो रहा है, सेक की वैल्यू कितनी है। चलिए सेक क्या होता है, वन बाय कॉस, सेक थीटा बराबर वन बाय कॉस थीटा, इनवर्स वाले में कराए थे आप लोगों को लेक्चर वन टू में। सेक थीटा देखिए वन बाय कॉस, वन बाय वन कितना होगा वन, उल्टा कर देना है न्यूमरेटर की जगह डिनोमेटर को, डिनोमेटर की जगह न्यूमरेटर को, इनवर्स कर लिख देना। ये क्या हो जाएगा टू अपॉन अंडर रूट थ्री, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट टू, ये क्या हो जाएगा टू और वन बाय जीरो, अगेन नॉट डिफाइंड। आप इसको क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे यहां से, फिर नॉट डिफाइंड टू अंडर रूट टू, टू अपॉन अंडर रूट थ्री और वन, ये सारे सारी आपकी टेबल में वैल्यू आ गई। अब पढ़ना हो जैसे मान लीजिए कॉट 90 पढ़ना है, तो कॉट पढ़ना है तो कॉट में जाइए, 90 यहाँ है इसके सीधे में आइए, 90 वाले में इसके सीधे में जाइए कॉट वाले में, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी इसके जंक्शन पर वही वैल्यू हो जाएगी कॉट 90, जो वैल्यू कितनी है जीरो है। इसी तरह से टेन जीरो की वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी। इसको निकालने का भी तरीका बता सकता हूँ मैं आपको, पर उतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देखिए एक एक मैं आपको 90 डिग्री के लिए बताता हूँ। देखिए ये मान लीजिए कि 90 डिग्री है, 45 के बताता हूँ, ये 90 डिग्री है। अगर मान लेते हैं ये है कि हमारा कितना 45 डिग्री है, तो यहाँ भी तो 45 ही डिग्री होगा क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री ही होता है। अब अगर दोनों एंगल इक्वल है तो यह साइड और यह साइड भी क्या होगा बराबर होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि बीच में 90 डिग्री है। मान लेते साइड ए है तो ये साइड क्या हो जाएगा, यह भी ए हो जाएगा। अब ये ए और यह ए, तो इसका साइड कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट टू ए स्क्वायर यानी रूट टू ए हो जाएगा। अब यहाँ 45 डिग्री के थीटा की वैल्यू लेकर के टेन 45 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा ए बाई ए वन हो जाएगा। यहाँ से साइन का निकाल करके पी बाय एच बी बाय एच करके निकालिए तो आपको 45 की वैल्यू वही आ जाएगी। एक मैंने निकाल दिखा दिया, देखिए 10 45 वैल्यू वन होती है ना। इस तरह करके एक ट्रायंगल लेकर के इक्वेटर करेंगे और इसको इस तरह से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये 60 60 करके और ये वाला 60 60 कहाँ पर जाएगा 30 30 हो जाएगा। यहाँ 60 और 30 का निकाल सकते हैं। मान लीजिए तीनों साइड ए है, यह ए है, यह ए है, इसको बीच में डिवाइड कीजिएगा तो ये ए बाई टू हो जाएगा, ये ए बाई टू हो जाएगा। अब वहाँ एंगल लेकर के आप अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं। मोर ऑफ द टाइम आपको निकालने वैल्यू नहीं आता एग्जाम में, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पर्टिकुलर एंगल्स के साथ में, और इसके क्वेश्चन सबसे सरल सबसे आसान होते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करना होता है और थोड़ा सा सॉल्यूशन सॉल्व करना होता है जिससे कि आपकी वैल्यू निकल आती है। तो यह टेबल आपको दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। कुछ कुछ वैल्यू इसके स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट होते हैं टेन और कॉट वाले, जो आपको हाइटिंग डिस्टेंस में काम आते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग पर्टिकुलर एंगल्स के जो फॉर्मूलाज हैं या ये जो पढ़ चुके हैं हम लोग टेबल को, और इसके बाद इसके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कुछ दो चार क्वेश्चन नजर डालते हैं, जो दो चार क्वेश्चन भी टच करेंगे क्योंकि आप बाकी आप लोग बना लीजिए मुझे यकीन है। यहाँ पर देखिए मैंने तीन क्वेश्चंस लिखे हैं कि रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स के, तीन क्वेश्चंस हैं। ये तीनों क्वेश्चन अगर आपको कर लेते हैं तो इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं इसमें ये कंप्लीट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30, इनके मल्टीप्लीकेशन को घटाना है इनके मल्टीप्लीकेशन के साथ में। देखिए इसकी वैल्यूज आप लोगों को याद रहनी चाहिए, मैंने यहाँ वैल्यूज नोट कर दी हैं, आप लोग वैल्यूज को याद कर लीजिएगा जो इसके पहले मैंने टेबल आप लोगों को सिखाया उससे। पहले आप लोग क्या कीजिए इसको एक चार्ट बना लीजिए और जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो फॉर्मूला के सामने में चार्ट रख करके उससे सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे करके आप लोगों को याद हो जाएगी वैल्यूज। देखिए साइन 60 की वैल्यू मैंने वहाँ लिखा हुआ है अंडर 3/2 है, आपको क्या करना है 3/2 की वैल्यू लिख देनी है, इनटू में कॉस 30 की वैल्यू अंडर 3/2 है अंडर 3/2 लिख देना है, माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 लिख देना है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है उसको भी 1/2 लिख देना है। अब क्या करेंगे न्यूमेरेटर के न्यूमेरेटर से मल्टीप्लिकेशन 3 हो जाएगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा, माइनस 1/4 डिनोमेटर के डिनोमेटर से मल्टीप्लिकेशन। अब बेस सेम है यानी कि डिनोमेटर सेम है तो न्यूमेरेटर में घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 - 1 = 4
ये कितना हो जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। आसान है, बन जाएंगे इस तरह सवाल। अब कह रहे हैं टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू को 30 डिग्री ले लीजिए और वेरीफाई कीजिए कि साइन 3 थीटा की जो वैल्यू होगी वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा के बराबर होगी। चलिए थीटा क्या कह रहा है, हमको 30 डिग्री लेना है, थीटा 30 डिग्री लेना है, ठीक है। एलएचएस हमारा क्या है, देखिए एलएचएस कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एमएचएस वो मिडिल हैंड साइड और आरएचएस वो राइट हैंड साइड। इसमें दो ही टर्म है तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा यह हो गया और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। साइन 3 थीटा तो यहाँ लिखिए साइन 3 × 30 डिग्री, 3 थीटा हो गया यानी कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। चार से इसकी वैल्यू को देख लीजिएगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, आपको साइन 90 वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आरएचएस में चलते हैं हम लोग, आरएचएस में क्या है 3 sin θ, तो 3 sin θ वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री माइनस 4 sin³θ वैल्यू कितना गया 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए 3 × sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 रख दीजिए, 4 × sin³θ है तो साइन 30 वैल्यू 1/2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, 3/2 माइनस 4 × में 1/8, 4 × 2 = 8, 3/2 माइनस 1/2, 3 − 1 = 2 = 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1 आई। यहाँ LHS में भी कितना है 1 है, RHS में भी कितना है 1 है, तो LHS बराबर सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हेंस साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा इज वेरीफाइड। ले इस तरह के क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके और करना है, निश्चित रूप से आपको बना पाइएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ सबसे हटकर है, tan a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है कितना √3 और क्या है, और दिया हुआ है tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3। देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होती है बोर्ड एग्जाम्स में। आपको कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी 0 से 90 होना चाहिए और a b से बड़ा होना चाहिए, a b से बड़ा होना चाहिए और a प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगी, कोई इशू नहीं है। सिर्फ वैल्यू आपको याद रखना होगा कि ये √3 और 1/√3 का वैल्यू क्या होता है, किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में। तो आप लोग टेबल देख लीजिए, टेबल देखिएगा तो समझिएगा tan 30 जो होता है 1/√3 होता है और tan 60 जो होता है वो √3 होता है। √3 की जगह पर क्या लिखेंगे, tan 60, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 हो जाएगा यहाँ से, tan a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब देखिए बहुत गलती क्या करते हैं यहाँ पर कि कहते हैं अच्छा ये tan है, काट देते हैं इसको tan को ऐसे ऐसे, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं काटना tan को, tan नहीं कटता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इनवर्स लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा जो होता है वो थीटा हो जाता है, तो दोनों तरफ हम लोग इनवर्स लेते हैं तो tan tan हट जाता है, थीटा थीटा बच जाता है, यह होता है, कटता वटता नहीं, कहीं भी काटनी गलती मत कीजिएगा कहीं पर भी। यहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कीजिए, आप tan tan छोड़ दीजिए, a प्लस बी ले लीजिए, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री हो गई, इक्वेशन 1 ले लीजिए इसको, यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी, इक्वेशन 2 ले लीजिए, अब दोनों को जोड़ दीजिए ऑन एडिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट क्या मिलेगा, देखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, सिंपली जोड़ दीजिए, a प्लस सी कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो मच 45 डिग्री हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए या 1 में रख सकते हैं, 1 में रखिए कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री हाउ मच 15 डिग्री,
ए की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, बी की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, ए बड़ा है बी से, देख लीजिए ए बड़ा है बी से, कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ए और बी को जोड़िएगा तो 90 से कम ही आएगा, 45 15 60 ही होता है, कम ही आ रहा है 90 से, 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपको और कोई तरह का सवाल नहीं मिलेगा, यही तरह का सवाल मिलेगा जिस तरह का सवाल मैंने करा दिया है। ये चैप्टर की रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स का आप लोगों से निश्चित रूप से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो की रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल को हम लोग यही एंड करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में चलेंगे, उसके फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे, प्रूव करने के तरीका को समझेंगे, और जितने भी तरीके के सवाल होंगे एक ही तरीके के हर एक क्वेश्चन को देख लेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जिस पूरे लेक्चर को फिर से एक बार देख लीजिए, जहाँ समझ में नहीं आए यहाँ एडू वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाइएगा, टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा EDU WRLD वर्ल्ड, उसमें आपको बैनर लगा हुआ मिल जाएगा एडू वर्ल्ड का, और वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।